चीन अतिक्रमण कर रहा है लगातार और इसके इस मुद्दे को लगातार राहुल जी उठा रहे हैं, उसमें तो बोल नहीं पा रहे हैं। वर्षों से लगातार चीनी हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और उसमें बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें एक शब्द नहीं बोले। बल्कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वो या क्षमा चाहूँगा कि उसके विदेश मंत्री ने कहा कि हमसे बड़ा इकोनॉमी है चीन, इसलिए वो हमला नहीं कर सकते। मतलब आप कोई आपसे ताकतवर हैं और आपकी ज़मीन को यदि कब्जा करे तो आप चुप रहेंगे, आप प्रतिकार भी नहीं करेंगे, स्वीकार भी नहीं करेंगे। प्रतिकार करना दूर बात, स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। देश इतना कमज़ोर नहीं है, भारत की सेना इतनी कमज़ोर नहीं है कि इसका जवाब ना दे सके, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को झूला झूलना इस फुर्सत मिले तब ना। चीन अतिक्रमण कर रहा है लगातार और इस मुद्दे को लगातार राहुल जी उठा रहे हैं, उसमें तो बोल नहीं पा रहे हैं। वर्षों से लगातार चीनी हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और उसमें बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें एक शब्द नहीं बोले। बल्कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वो या क्षमा चाहूँगा कि उसके विदेश मंत्री ने कहा कि हमसे बड़ा इकोनॉमी है चीन, इसलिए वो हमला नहीं कर सकते। मतलब आप कोई आपसे ताकतवर हैं और आपकी ज़मीन को यदि कब्जा करे तो आप चुप रहेंगे, आप प्रतिकार भी नहीं करेंगे, स्वीकार भी नहीं करेंगे। प्रतिकार करना दूर बात, स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। देश इतना कमज़ोर नहीं है, भारत की सेना इतनी कमज़ोर नहीं है कि इसका जवाब ना दे सके, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को झूला झूलना इस फुर्सत मिले तब ना।